गुड मॉर्निंग। हम लोगों को प्रमुख बालों का स्तूप पढ़ने थे कि राजस्थान में कितने प्रकार के बालों का स्तूप है या कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना था। हमने इस मरुस्थल के बारे में बहुत सारा वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें कि मरुस्थल में किस प्रकार के बालों का स्तूप है उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है नहीं है। अभी तक यहाँ से ऊंचाइयों से प्रश्न नहीं आया, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ से ऊंचाइयों से प्रश्न बनने की संभावना है, तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखें। कुछ बालों का स्तूप उनके नाम लिख देता हूँ। पहले मैं बालों का स्तूप का अगर नाम की बात करूं तो नंबर वन अगर देखेंगे हम लोग तो एक बालों का स्तूप है जिसका नाम है पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती लिखना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। इसी को हम बोलते हैं देशांतरीय, देशांतरीय। इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य और इसी को बोलते हैं रेखीय। इन सब के पीछे एक शब्द लगेगा बालू का स्तूप, यानी ये सारे नाम एक ही है। अब आप आपकी किताब उठाएंगे या कहीं पढ़ेंगे तो इसका एक नाम हो सकता है इनमें से कोई गायब हो जाए, कुछ मिल जाए। इंग्लिश में इसको लिखा जाए लॉन्गिट्यूडनल और लाइनर को लिखेगा वो रेखीय, बाकी इसके अलावा कोई शब्द इसके नहीं है, तो वहां से कोई काम नहीं है। दूसरा अगर इसको देखोगे कि है क्या, तो इसके एक शब्द आएगा उसको बाद में यूज करके बताऊंगा। एक दूसरा बालों का स्तूप आएगा जिसको कहेंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। इन दोनों में केवल एक शब्द याद रखना है और ये प्रश्न बन जाएगा आप लोगों का, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। दोनों में एक शब्द आएगा, एक बीचेगा हवा की दिशा में, हवा की दिशा में। एक शब्द होगा समान और एक शब्द होगा समकोण। अगर शब्द आ जाए इक्वल हवा की दिशा के समान बनने वाला बालों का स्तूप कौन सा है ये, और अगर हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालों का स्तूप कौन सा है तो अनुप्रस्थ। दो ही वर्ड याद रखना, एक समान और एक क्या रखना है समकोण। समकोण वाला आएगा तो अनुप्रस्थ की बात करेगा और समान वाला आएगा तो ऊपर वाले सारे शब्दों की बात कर लेगा। मेरे बात को फिर इसके बाद आएगा तारा बालों का स्तूप, पहले इसको लिखने थे फिर तारा के बारे में बात करेंगे। नंबर वन हेडिंग वाले उसको लिखो आप पहले। बढ़िया, बोल रहा हूँ, पहले बार लिखना बाकी सेकंड नहीं लिखना, ध्यान रखना। लिखो इसके अंदर आएगा हवा की दिशा के, हवा की दिशा के समानांतर, हवा की दिशा के समानांतर लंबी दूरी पर, हवा की दिशा के समानांतर लंबी दूरी पर बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप। इनकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर, 10 to 60, इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर, 10 से 60 मीटर मुख्य रूप से, मुख्य रूप से बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर जिलों में पाए जाते हैं, जिलों में पाए जाते हैं। एक और लाइन लिख लो, एक और लाइन लिख लो या नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो। इन्हीं बालू का स्तूप को, इन्हीं बालू का स्तूप को सीप भी कहा जाता है, सीप
हो सकता है या सीप शब्द हो सकता है, याद रख लेना, सीप या सीप भी कहा जाता है, सीप या सीप भी कहा जाता है। नंबर टू डालिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इंग्लिश वर्ड लिखना आ सकता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इंग्लिश वर्ड। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सेंडेंस, एस एन डी वी यू एन ई एस सेंडेंस, ट्रांसवर्स सेंडेंस। लिखो इसके आगे, हवा की दिशा में, हवा की दिशा में समकोण पर बनने वाली, हवा की दिशा में समकोण पर बनने वाली बालू का स्तूप, हवा की दिशा में समकोण पर बनने वाली बालू का स्तूप, हवा की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। ऊंचाई, ऊंचाई 10 से 40 मीटर, 10 से 40 मीटर। मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में, मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में। लिखे बरखान, नंबर थर्ड पे बरखान, या इसी को लिखा जा सकता है बरछान बालू का स्तूप। इससे आप प्रश्न अलग तरह के आएंगे, इस बात को याद रखना है। बरखान या बरछान बालू का स्तूप है, इसको मैं थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके बता रहा हूं, आप किस फॉर्मेट के प्रश्न आने की संभावना है। ये एक किस तरह से होता है बालू का स्तूप, इस तरह से अगर इधर से ये हवा चल रहा है या इधर से हवा चल रही है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहा जाता है पवनाभिमुख, और इधर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है पवनाभिमुख। एक पवनाभिमुख है और एक पवनाभिमुख है। फिर अब प्रश्न ये आता है कि ये पवनाभिमुख है, इधर का ढाल कैसा होता है, यानी इस तरफ ढाल या ढलान स्लोप कैसा होगा, और इस पवनाभिमुख की तरफ ढाल या ढलान कैसा होगा। ये दोनों प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर इस तरफ के ढाल की बात करोगे तो इधर ढाल होता है मंद गति का और इधर ढाल होता है तीव्र गति का, तीव्र गति का। और ये अर्धचंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक गतिशील होता है, यानी सबसे ज्यादा आगे बढ़ता रहता है, और जब ये आगे बढ़ता है तो अपने साथ रेत को भी लेकर उड़ता है। इससे किसानों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि रेत उड़ते जाएगी वो किसान की फसल के ऊपर जाके जमा होगी, तो वो फसल को नुकसान पहुंचेगी चली जाएगी। और मरुस्थलीकरण जो होता है डेजर्टिफिकेशन, उस मरुस्थलीकरण में भी सर्वाधिक योगदान किसी बालू का स्तूप है, तो इसी बरखान या बरछान का है, और इंग्लिश में इसको बरछान ही लिखा जाता है, बी आर सी एच एन लिखा जाता है। अब आप इसको ढाल तीव्र मंद कैसे है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और ये मैंने इस तरह से फोल्ड करता है, आप अभी अपने हाथ को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। अगर इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो आपको सेम चीज ये दिखाई दे रही है, और इसमें अगर देखोगे तो आपको इधर वाला जो जगह है, इधर आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, आपके इधर इधर प्रेशर मिलेगा। तो यानी ढलान जिधर ज्यादा होता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है, और ढलान जिधर कम होता है उधर प्रेशर कम होता है। और वही बात हम लिखी, हवा उधर से चली, ये पवनाभिमुख था, और इधर ढाल मंद गति का है, इधर ढाल तीव्र गति का है। आप चाहे तो ऐसा मोड़ कर भी देख सकते हैं, आपका वजन जो है वो सारा सारा पीछे आएगा, आगे वजन नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ढाल पवनाभिमुख, और ये नया एक प्रश्न यहाँ से ईजाद किया, ये बात को इसको लिखना है, बरखान बरछान इसको बनाना है, एक बार थोड़ा सा बना ले पटा। और ये क्या है, हवा चलने की दिशा,
इनके शब्द नहीं मेरे पास। हो गया, बोल लाइन को लिखा एक लाइन को। अर्ध चंद्राकार आकृति वाली, अर्ध चंद्राकार आकृति वाली बालू का स्तूप, अर्ध चंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूप जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, अर्ध चंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूप जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, इन बालू का स्तूप से सर्वाधिक सर्वाधिक नुकसान होता है। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन को लिखो। मरुस्थलीकरण में यानी डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं बालू का स्तूप का है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं बालू का स्तूप का है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर, 10 to 20, ऊंचाई 10 से 20 मीटर, प्रमुख रूप से कहां कहां मिलेंगे, और जगह लिखनी है। प्रमुख रूप से लिखो पालेरी, पालेरी ये जिले में पड़ेगा, चूरू, पालेरी चूरू। लिखो सूरतगढ़, कौन से जिले में आएगा जल्दी बताओ, सूरतगढ़ कौन से जिले में आएगा, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ के उसमें श्रीगंगानगर। लिखो करणी माता, करणी माता, लोणकरण सर, करणी माता लोणकरण सर दोनों कहां मिलेंगी, बीकानेर। फिर लिखे ओसिया, ओसिया पहले जोधपुर के हिस्से थे, अब कौन से जिले के हिस्से हो जाएंगे, फलौदी के हिस्से हो जाएंगे, ओसिया फलौदी में चले जाएंगे। जैन मंदिर है ओसिया में, जैन मंदिर बहुत बड़े, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप कहाँ मिलता, बस ये लिखना, बाकी इससे कोई प्रश्न नहीं आपका। स्टार सेंडेंस के बारे में बात करना है, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप लिखो इसके अंदर। गंगानगर के सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ जैसलमेर के सोहनगढ़ पोकरण, जैसलमेर के सोहनगढ़ पोकरण क्षेत्रों में इन बालू का स्तूपों में या इन बालू का स्तूपों के निर्माण में, इन बालू का स्तूपों के निर्माण में हवा, इन बालू का स्तूपों के निर्माण में हवा सभी दिशाओं से
सभी दिशाओं से चलती हैं, सभी दिशाओं से चलती हैं। ऊंचाई 10 से 25 मीटर, ऊंचाई 10 से 25 मीटर। नेक्स्ट अगला बालू का स्तूप लिखो, अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। देखो नाम लिखा अवरोधी बालू का स्तूप, यानी बैरियर की बात कर रहा है, यानी ऐसा कोई कोई अवरोध आएगा जिसके कारण वो बालू का स्तूप बनेगा। अवरोध के रूप में कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई वृक्ष हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, यानी कोई भी रोकने वाला हो तो उससे जो बालू का स्तूप बनेगा उसको क्या कहेंगे, अवरोधी बालू का स्तूप कहेंगे। आपको इसका उदाहरण पूछा जाएगा कि आयातो, यानी अवरोधी बालू का स्तूप के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, बाकी इसका कोई प्रश्न नहीं है। इसके उदाहरण अगर देखोगे तो एक उदाहरण मिलेगा आपको पुष्कर पहाड़, नाग पहाड़। आपको पता चल गया होगा दोनों कौन से जिले में होने चाहिए, अजमेर में, यानी ये दोनों इसके उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण इसका बिच्छुल पहाड़, एक उदाहरण इसका जोबनेर, और ये दोनों आज की तारीख में किस जिले के हिस्से हैं, जयपुर ग्रामीण के। पहले किसके हिस्से थे, जयपुर शहरी। ये इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं, बाकी आते पूछे रहिए। लिख लो इसके उदाहरण, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट लिखना आपको एक पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, इस पैराबोलिक में एक ही लाइन लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। पैराबोलिक बालू का स्तूप एक लाइन लिखो, मरुस्थलीय वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति के योगदान से निर्मित निर्मित राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप इसी प्रकार के, सर्वाधिक बालू का स्तूप इसी प्रकार के। अगला अंक लिखो इंपोर्ट बना देना, इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है, इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है, के समान होती है। इसके बाद देखोगे एक आता आपका सब्र ए काफीज, या इसको सब्र काफीज भी लिखा जा सकता है, सब्र ए काफीज बालू का स्तूप, या फिर इसको ऐसे भी लिखना चाहे वो लिख सकता है सब्र ए काफीज बालू का स्तूप, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये से एक मतलब इसके साथ लिखे जाए, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, सब्र ए काफीज या सब्र ए काफीज बालू का स्तूप। देखो एक लाइन को, छोटी छोटी झाड़ियों, छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के पास
छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के पास बनने वाले बालू का स्तूप इनकी ऊंचाई सबसे कम होती है इनकी ऊंचाई सबसे कम होती है। नीचे एक नोट डालकर मैं लिखो, नोट डालकर मैं लिखना है, झाड़ियों के पीछे या चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप नेबखा कहलाते हैं, नेबखा कहलाते हैं। नीचे दो तीन एक्स्ट्रा लाइनें, पहली लाइन को लिखना है फिर बाद में लिखना, पहली लाइन को लिखो, सभी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं एक्स्ट्रा लाइन से सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण जिले में पाए जाते हैं। अगली लाइन को लिखना है। हेक महोदय ने, ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी ध्यान रखना, हेक महोदय ने यूएसए के एरिजोना प्रांत में अध्ययन करके तीन प्रकार के बालू का स्तूप बताए थे। यानी हेक महोदय कहता बालू का स्तूप तीन ही प्रकार के होते हैं। वो कहते थे एक तो अनुदैर्ध्य होता है, वो कहते थे एक अनुप्रस्थ होता है, और वो एक कहते थे परवलयिक होता है। ये तीन प्रकार के बताएं। तभी अगर प्रश्न आ जाए कि किस व्यक्ति ने तीन प्रकार के बालू का स्तूप बताया था, हेक महोदय ने, और कहां पता किया था, जिन्होंने एरिजोना प्रांत में, एरिजोना कहां है, यूएसए में। और कभी ऐसा आ जाए कि हेक महोदय ने कौन सा बालू का स्तूप नहीं बताया, तो इनमें से कोई एक और आ सकता। देर बात को लिखो, इसको फटाफट तीनों नाम लिख लो। हो गया, ये एक पार्ट था जो खत्म हो चुका, पहला पार्ट इसका, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र वाला पार्ट था, ये खत्म हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, वहां पे लिखा हुआ है बालू का स्तूप मुक्त मरु प्रदेश, लिखा हुआ है क्या, मुक्त मरु प्रदेश, ये क्या थी इसको देखना, बाद में आराम से लिख लेना, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त मरु प्रदेश,
ये जो बालूकस्त मुक्त क्षेत्र है ये पूरा पूरा परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? परतदार, यानी हम यू कह सकते हैं कि बालूकस्त मुक्त जो क्षेत्र है ये बालूकस्त मुक्त क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। पहली कहानी इस बात को याद रखना है कि परतदार चट्टानों से ढका हुआ या परतदार चट्टानों से निर्मित, पहली कहानी सिंपल सिंपल लिख लें निर्मित। ये जो परतदार चट्टाने हैं इनमें सर्वाधिक चट्टाने किसकी है? तो अगर इसमें बात करोगे तो इसमें सर्वाधिक चट्टाने किसकी है? तो सर्वाधिक चट्टाने होगी किसकी? चूने पत्थर की, चूने पत्थर की। इसीलिए आज की तारीख में पूर्वी राजस्थान यानी आपके दक्षिण में चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन हो रहा है, भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन जैसलमेर में, क्योंकि वहां पर चूना पत्थर का बहुत ज्यादा खजाना हो चुका है। इसीलिए आप लोग देखो लगातार मारवाड़ की धरती में जैसे आपका नागौर जोधपुर सीमेंट के कारखाने स्थापित हो रहे हैं, जबकि उनको ज्यादा पानी चाहिए फिर भी सीमेंट के कारखाने उधर स्थापित हो रहे हैं क्योंकि चूना पत्थर। फिर अगर आप लोग देखोगे अगर ये परतदार चट्टाने हैं तो इन परतदार चट्टानों में आपको अवशेष मिलेंगे, जीवावशेष एवं वानस्पतिक अवशेष दोनों मिलेंगे। वानस्पतिक अवशेष जीवों के अवशेष भी हैं और वनस्पति के अवशेष भी है, और जीवावशेष और वानस्पतिक अवशेष के रूप में आपके पास एक पार्क है जिसको आपने नाम सुना होगा आकलवुड वुड ऑफ फॉसिल पार्क। सुना है नाम आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, सबने सुना है, सबने सुना। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे आकलवुड फॉसिल पार्क कितना पुराना है, कब आया नहीं आया, वो सारी चीजें ये इसी तरह से है। तो इसके अंदर एक जल पट्टी है, यही कह लो इस तरह से एक ये पूरी पूरी पट्टी है। इस पट्टी को हम यू कहें इसका नाम क्या है? तो इस पट्टी का नाम है आपका लाठी सीरीज। क्या नाम है? लाठी सीरीज। और मेरे हिसाब से आपने इसके बारे में सुना होगा। लाठी सीरीज क्या है? तो एक भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी, जल पट्टी। इसमें इस भूगर्भीय जल पट्टी पे एक इस तरह से नलकूप है, नलकूप। इस नलकूप का नाम क्या है? तो आप लोग समझते हैं चांदन नलकूप। और ये जो चांदन नलकूप है ये चांदन नलकूप को खार का मीठे पानी का घड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीठे पानी का घड़ा। ये चांदन नलकूप है कहां? तो ये आपका कहां है? जैसलमेर में। ये सारी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। ये बालूकस्त मुक्त का क्षेत्र है, फिर इसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी उसको हम अलग से लिखेंगे। ये बनाओगे या लाइन लिखोगे सीधी सीधी? ये फोटो खींच के रखो बाद में बना लेना, लाइन खराब देख लेना अपने हिसाब से कितनी लाइन छोड़ी फिर उसको बना लेना लिख लेना, ठीक है? मैं लाइन लिख रहा हूं लाइन खराब नहीं होगा समय, ठीक है? उसको बना फोटो खींच लो फिर बाद में बना लेना। हो गया? अच्छा वो तो फोटो खींचो भाई, वो लिखो फटाफट लाइन को। बालू का स्तूप मुक्त मध्य प्रदेश में लिखना है। यह संपूर्ण क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है, संपूर्ण क्षेत्र परदार चट्टानों से ढका हुआ है। इन चट्टानों में सर्वाधिक चूने की चट्टाने हैं
अगली लाइन को लिखो, परतदार चट्टाने टर्शियरी काल से, परतदार चट्टाने टर्शियरी काल से प्लिस्टोसिन काल, टर्शियरी काल से प्लिस्टोसिन काल, परतदार चट्टाने टर्शियरी काल से प्लिस्टोसिन काल, लिखा बुरा, टर्शियरी काल से प्लिस्टोसिन काल तक की हैं, तक की हैं। अगले लाइन को लिखो, यहां पर भूगर्भीय जल पट्टी, यहां पर भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज, लाठी सीरीज पाई जाती है, लाठी सीरीज पाई जाती है जो जैसलमेर में, जो जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ के बीच, पोकरण से मोहनगढ़ के बीच है। ये किसका अवशेष है कोई बता सकता है क्या? लाठी सीरीज किसका अवशेष है? ये भूगर्भीय जलपट्टी किसका अवशेष हो सकती है? एनी आइडिया किसी के पास? सागर का होता खारा पानी होना चाहिए था, मीठा पानी का गड़ा नहीं होता, खारा पानी का गड़ा कहना पड़ता। कहीं पता हो किसी ने? नहीं पता होगा, ये तो मेरे को पता है क्योंकि गोदड़ी है ही नहीं पताने वालों को, इतने उससे जाकर नहीं जाते हैं। लिखो एक लाइन को, कंड लिखो, यह जलपट्टी, यह जलपट्टी प्राचीन सरस्वती का या प्राचीन सरस्वती की जलधारा है, यह जलपट्टी प्राचीन सरस्वती की जलधारा है, इसकी खोज, इसकी खोज 2007 में हुई थी, इसकी खोज 2007 में हुई थी। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट, और खोज किसने करी कभी आ जाए ध्यान रखना, काजरी के विज्ञानी को खोजा था इसको पहली बार, है ना। हालांकि ऐसा प्रश्न तब गाड़ी से नहीं आएगा, पहली बार इसको खोज करने का कार्य जीत गया काजरी के वैज्ञानिकों ने किया था, आपसे इतना प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन, इस जलपट्टी के यहां, इस जलपट्टी के यहां जैसलमेर में चांदन नलको, इस जलपट्टी के यहां जैसलमेर में चांदन नलको, चांदन नलको खोदा गया है, खोदा गया है जिसे, जिसे थार का मीठे पानी का घड़ा कहते हैं, जिसे थार का मीठे पानी का घड़ा कहते हैं, थार का मीठे पानी का घड़ा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन, परतदार चट्टानों में, परतदार चट्टानों में शब्द को याद रखना, वो प्रश्न आता लगातार यहां से, जुरासिक, परतदार चट्टानों में जुरासिक काल, जुरासिक काल के, जुरासिक काल के जीवावशेष एवं वानस्पतिक अवशेष, जीवावशेष एवं वानस्पतिक अवशेष पाए जाते हैं, पाए जाते हैं।
नेक्स्ट लाइन को लिखो, वानस्पतिक अवशेषों का, वानस्पतिक अवशेषों का सुंदर उदाहरण, सुंदर उदाहरण जैसलमेर का, जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क है। मुझे ये बताना है ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क है इस पार्क की आयु कितनी है, एज, ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, हेक्टेयर में विस्तारित फैला हुआ, और राज्य सरकार ने अपने अधीन कब लिया, अपने अधीन कब लिया, इसका उत्तर किसी को आता है बता देना, किसी को भी इसका उत्तर आता है बता दे आराम से, कॉमर्शियल हो गया जब तक मेरे को पता, पहले बहुत सारे लोगों ने पता है, पता है ना क्या, नहीं पता, पता है तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, एनी आइडिया, हाँ इसका उत्तर क्या होना चाहिए, किसी को पता हो तो बता दो, और इसमें से ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, पर नीचे से नहीं आया, नीचे से नहीं आया है, और मैं कह रहा हूं ये आ गया, लोग ये बता रहे हैं और अब ये आएंगे तब इसका उत्तर बताएंगे, ये है, कोई बता सकता है, इसकी आयु पूछे 18 करोड़ वर्ष, कितनी अच्छा आयु बताओगे, आकलवुड फॉसिल पार्क की आयु कितनी है याद रखना 18 करोड़ वर्ष है, कितने हेक्टेयर में फैला, भविष्य का प्रश्न, 108 हेक्टेयर में फैला हुआ है, कितने हेक्टेयर में, 108 हेक्टेयर में, और राजस्थान सरकार ने अपने दिन कब लिया तो 1979 में, ये अपने पास नहीं था, ये पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के पास था, किसके पास था, भारतीय पुरातत्व विभाग के पास था, ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला प्रश्न आ चुका है, और ये ऊपर वाला लिखा हुआ कहां है, आई थिंक 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में, एनसीईआरटी वाले में उसमें लिखा गया, और एक बॉक्स बनाकर रखा उसमें लिखा हुआ, आयु हो गया, बोलो आगे लाइन को, ये थोड़ा सा देखना, ये नई सिस्टम है तो आपको यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपकी किताबों में नहीं होते हैं, तो आप इस बात को याद रखना, ठीक है, क्या कलोड फॉसिल पार्क बहुत सारी चीजें यहाँ पर और भी कुछ है लेकिन मैं उस बारे में नहीं जानना चाह रहा, ठीक है, अब देखो ये है क्या चाहिए, ये पर्वतार चट्टान से ही तो डेफिनेट इस पार्ट में, अगर इसको इस तरह से है ये तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ निम्न भूमियां पाई जाती है, अगर इस तरह से है तो इसके अंदर इस तरह से कोई कोई खड्डे वाली भूमि होगी और ये इस तरह से होगा, इस तरह से चलता रहेगा,
ये निम्न भूमि है, और अगर निम्न भूमि है तो इस निम्न भूमि में वर्षा का जल आएगा, और वर्षा का जल आने के बाद में यहां पर झीलें बनेगी, झीलें हम यू कह रहे हैं कि वर्षा जल बनने से झील बनेगी, वर्षा जल बनने से झील का निर्माण, झील का निर्माण। और ये झीलें कुछ अस्थायी होती हैं, कुछ काल्पनिक होती हैं या अल्पकालिक होती है, कुछ लिखा जाता है। तो ये झीलें जो है वो अस्थायी होती है। कैसी झीलें होती हैं? अस्थायी झील का निर्माण जो अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती है, अस्थायी। फिर यहीं पर ये पानी कुछ समय रहता है तो यहां से फिर वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण होता है तो फिर यहां पर नमकीन झीलें बन जाती है। कैसी झीलें बन जाती है? नमकीन झीलें, या इसको हम क्या कहते हैं, खारे पानी की झीलें कहते हैं, नमकीन झीलें। और नमकीन झीलें वाष्पीकरण हुआ और उसके बाद यहाँ पे जमीन बनेगी, तो जमीन को यहां पर जो जमीन रहेगी वो जमीन यहां पर कैसी हो जाएगी? दलदली, दलदली भूमि। और दलदली भूमि होगी तो इस भूमि में क्या होगी? एक कृषि। इस दलदली भूमि में जो कृषि होती है वो कृषि यहाँ पे क्या कहलाती है? उस कृषि को नाम देंगे हम लोग यहाँ पे खड़ीन। और ये दलदली भूमि बनेगी इसको क्या कहेंगे? रण या टाट कहेंगे। नमकीन झीले होगी इसको क्या कहेंगे? इनको टॉड झीले कहेंगे। और ये अस्थायी झीले होगी इसको क्या कहेंगे? प्लाया झीले कहेंगे, प्लाया झीले। और ये बनेगी सब कहां? इस वाले भाग में ही बनेगी, इस वाले भाग में। तो आप लोग चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में फटाफट बना लेना है, फिर लाइन लिखवा देता हूं। इसी का है बालू कस्तु मुक्त वाले गई है ना। हो गया बोलो क्या आ गई? लिखो लाइन को। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कहीं कहीं, इस क्षेत्र में कहीं कहीं निम्न भूमि पाई जाती है, निम्न भूमि पाई जाती है जिसमें वर्षा जल भर जाने से, जिसमें वर्षा जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है
जिसे प्लाया कहते हैं, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है जिसे प्लाया कहते हैं, प्लाया कहते हैं। सर्वाधिक प्लाया जिले कहाँ राजस्थान में? सर्वाधिक प्लाया जिले कहाँ राजस्थान में? लिखो लाइन को। सर्वाधिक जैसलमेर में, सर्वाधिक जैसलमेर में, सर्वाधिक जैसलमेर में। लिखो एक लाइन को। अधिक खारे पानी की प्लाया झील को शेलीनाथ कहते हैं। शब्द को याद रखना, अधिक खारे पानी की प्लाया झील को सेलिनास कहते हैं। कंटू लिखना। अरब रेगिस्तान में, अरब रेगिस्तान में प्लाया को, अरब रेगिस्तान में प्लाया को खबारी एवं ममलाह, खबारी एवं ममलाह तथा सहारा रेगिस्तान में, अरब रेगिस्तान में खबारी व ममलाहा तथा सहारा रेगिस्तान में शक्त कहते हैं, शक्त कहते हैं, शक्त कहते हैं। अगली लाइन को लिखो। शक्त कहते हैं, सारा मरुस्थल शक्त कहते हैं। अब इसको लाइन पे लिखना है क्या? निम्न भाग में बनने वाली नमकीन जिलों को टोंट जिले कहते हैं, लाइन लिखना है क्या? समझ आएगा यहाँ पे? यहाँ पर दलदली क्षेत्र जो बनता है उसको रण या काट कहते हैं, लिखना है क्या? यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको खड़ी कहते हैं, लाइन भी लिखना है क्या? इस फोटो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन एक लाइन को लिखो, एक लाइन को लिखो नीचे। खड़ीन एक जल संरक्षण पद्धति भी है। इसकी डिटेल आगे पढ़ाऊंगा, जल से जो वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। खड़ी एक जल संरक्षण पद्धति भी है, उसको आगे पढ़ाऊंगा, डिटेल से यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, डिटेल आगे पढ़ाऊंगा इस। नेक्स्ट एक लाइन को लिखो, एक लाइन को। प्रमुख रण क्षेत्र, सेकेंड ग्रेड का फेवरेट प्रश्न आता है यहां से हमेशा एग्जामिनर में, प्रमुख रण क्षेत्र कौन कौन सा है, कोई बता सकता है? एक आध तो बता दो, मेरे को नहीं आते हैं। प्रमुख रण क्षेत्र कहाँ कहाँ है, किसी को आते हैं तो बता दो। कुछ आइडिया हो किसी को? नहीं। प्रमुख रण क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक नाम लिखो, देखो जैसे कन्नौड, एक नाम है भरमसर, एक नाम है भाकरी, आता ही नहीं तुम्हारे को कहां पर है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक नाम लिखूंगा सब कुछ तरह जाएगा इसका, पोकरण। सबको आगे कहा है जैसलमेर, देख तो कह रहा ना, नहीं आता नहीं आता। एक लावा और एक बाप, हाँ पांच छोटों लावा बाप किधर मिलेंगे? जोधपुर। बाप थी लाइक जयपुर में आ चुकी है क्या? फलोदी में गया जा चुकी है? जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। एक थोब रेडाना, ये बाड़मेर में, लिख लो इसको ऐसे, ये प्रमुख रण क्षेत्र है। ठीक है, कल कोशिश करेंगे थार मरुस्थल का चैप्टर कल खत्म हो जाए, थोड़ा सा और पढ़ाना है इसमें,
इसको कल प्रयास रहेगा पूरा पूरा इसको खत्म किया जाए। ठीक है, थैंक यू।